स्प्रिंग बोर्ड की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे भारत में सामाजिक मुद्दे, सोशल इश्यूज इन इंडिया। हमारा टॉपिक क्या है सिलेबस का? सोशल इश्यूज इन इंडिया। हम लोग जब सोशल इश्यूज की बात कर रहे थे, हमने देखा था, हमने कहा था कि यह टॉपिक आपको इकोनॉमी, पॉलिटी, इन्वायरमेंटल, एथिक्स और सोसाइटी, पांच सब्जेक्ट्स का क्या है संगम है। ये मल्टी डायमेंशनल टॉपिक्स है। इस टॉपिक पे अब तक हमने बात की थी कि भारत में प्रमुख सामाजिक मुद्दे में हमने आयु वर्ग के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ एज के आधार पे हमने तीन सामाजिक मुद्दे देखे थे। एक बच्चों के इश्यूज ऑफ चाइल्ड, एक युवाओं के इश्यूज ऑफ यूथ और एक वृद्धों के इश्यूज ऑफ ओल्ड पर्सन। ठीक है, हमने आयु वर्ग के आधार पे देखे, हमने सोशल इश्यूज में लिंग के आधार पे देखा, जेंडर इश्यूज, लैंगिक मुद्दे, महिलाओं के मुद्दे, तो लैंगिक इश्यूज देखे। आज हम लोग बात करेंगे सोशल इश्यूज में परिवार, विवाह में मुद्दे, धार्मिक मुद्दे, रिलीजियस इश्यूज इन इंडिया, जातीय मुद्दे, कास्ट इश्यूज इन इंडिया, शैक्षणिक मुद्दे, एजुकेशनल इश्यूज इन इंडिया। आज हमारा चार ये टॉपिक हम क्या करेंगे, ये कंप्लीट करेंगे। ठीक है, परिवार और विवाह से संबंधित क्या इश्यूज हैं, धर्म से संबंधित क्या इश्यूज हैं, कास्ट से संबंधित क्या इश्यूज हैं और शिक्षा, एजुकेशन से संबंधित क्या इश्यूज हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं परिवार से संबंधित मुद्दे, संबंधित मुद्दे, इश्यूज रिलेटेड विथ फैमिली। परिवार, परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई होती है, जहां पर ब्लड रिलेशन और मैरिज रिलेशन दोनों से मिलकर के क्या होता है, परिवार बनता है। जैसे आप अपने परिवार में देखिए, परिवार में माता पिता, भाई बहन, माता पिता उनके बच्चे, बच्चों के बीच संबंध भाई बहन, दादा दादी, फिर पिता के भाई हो गए, तो एक पूरी हायरार्की पिता परिवार में रहती है। आप देख रहे हैं यहां पर सब कुछ, एक दादा दादी हैं, यहां पर उनके बच्चे हैं, ये आपके ये पिताजी हो गए, ये माता हो गई, इनके बच्चे हो गए। तो यहां पर देखिए कि माता पिता के बीच कौन सा रिलेशन है, मैरिज रिलेशनशिप। ठीक है, और जो बच्चे हैं इनके बीच कौन सा रिलेशनशिप है, ब्लड, खून के, खूनी संबंध है। मतलब क्या है, परिवार एक सब परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है, जहां पर रिलेशनशिप ब्लड से भी स्थापित होते हैं और मैरिज से भी स्थापित होते हैं। ठीक है, आप बताइए, किसी भी समाज के नए सदस्य, समाज का नए सदस्य, मैं कह रहा हूं कि मनुष्य का, नए मनुष्य का जन्म कहां होता है, परिवार में होता है, और उसी परिवार में सबसे पहले उसका क्या होता है, समाजीकरण होता है। धीरे धीरे वह समाज, वह परिवार से बाहर समाज के लोगों के साथ जुड़ता है, शिक्षण व्यवस्था के साथ जुड़ता है, और उसके बाद उसके जीवन की क्या होती है, शुरुआत होती है। तो परिवार जो है समाज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इकाई है, परिवार समाज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इकाई है। क्यों? क्योंकि यह बच्चों का समाजीकरण करता है, सोशलाइजेशन करता है, क्या सही है और क्या गलत है। यह समाज के सदस्यों का यौन नियंत्रण करता है। आपको यह पता है कि सेक्सुअल रिलेशन, फिजिकल रिलेशनशिप, आपको एक लीगल, आपको राइट्स दे दिए जाते हैं और उसके बियॉन्ड आप जाते हैं तो सोसाइटी आपका क्या करना चाहता है, बॉयकॉट करना चालू करता है। यह मनोरंजन का काम करता है, कौन, परिवार। मनोरंजन का कार्य कैसे करता है कि समाज, परिवार के सभी सदस्य आपस में बैठते हैं, दादा दादी और पोते, इनके बीच क्या होता है, आपको कई सारे बातचीत होती है या कहानियों के द्वारा, तो एक दूसरे का मनोरंजन होता है, परिवार के आपस सदस्य आपस में बातचीत करते हैं, शादी विवाह का कार्यक्रम होता है। ठीक है, तो एक मनोरंजन, ठीक है, परिवार धार्मिक कार्य भी करता है, कई सारे धार्मिक उत्सव, धार्मिक त्योहार मिलकर के क्या करता है, मनाता है। परिवार आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान करता है। सपोज कीजिए कि आप लोग आरएएस की तैयारी कर रहे हैं और आरएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो परिवार के आपके माता पिता, जो आपका परिवार है, इन्होंने आपको क्या भेजा, पैसे दिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी दी, और जाकर के आप क्या कर, आरएएस की तैयारी करने में आपकी कोचिंग की फीस जमा करवाई, आपको आर्थिक सुरक्षा कि आप तैयारी करिए, पीछे से फाइनेंशियल सपोर्ट कौन कर रहा है, फैमिली कर रहा है, तो परिवार आपको क्या करता है, आर्थिक सुरक्षा देता है।
परिवार आपको भावनात्मक सुरक्षा भी देता है, इमोशनल सिक्योरिटी भी देता है। सपोज कीजिए कि आप लो फील कर रहे हैं या आपके नेगेटिविटी आपके लाइफ में आ रही है या आपके जीवन में समस्या आ रही है, तो परिवार के सदस्य के साथ आप इस समस्या का डिस्कस कर करके वहां से आपको क्या मिल जाता है, समाधान मिल जाता है। तो परिवार कई सारी चीजों को क्या कर रहा है, देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है समाज के, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। लेकिन आज क्या आ चुका है, आज परिवार में कई सारे इश्यूज आपको देखने को मिलेंगे। पहला इश्यूज यह है कि पहले का परिवार संयुक्त परिवार होता था और अब परिवार क्या बन रहा है, न्यूक्लियर फैमिली, नाभिक के परिवार। तो परिवार के आकार में बदलाव हो रहा है, ज्वाइंट फैमिली न्यूक्लियर फैमिली। ज्वाइंट फैमिली क्या है, कई पीढ़ी के लोग, कई समाज, कई पीढ़ी के लोग एक जगह रहते थे। जैसे पापा है, पापा के भाई वाला परिवार हो गया, वो एक जगह रहेगा, ठीक है। तो एक ही छत के नीचे आपको 6-7 छोटे छोटे फैमिली भी आपको साथ दिखाई देते थे, ठीक है। तो 20-30 औसत परिवार के सदस्य की संख्या क्या हो जाती थी, हो जाती। लेकिन आज जब आप परिवार देखिएगा, न्यूक्लियर फैमिली, जहां से 4 या 5 सदस्य आपको परिवार में क्या करते हैं, दिखाई देते हैं। जब ये न्यूक्लियर फैमिली बनेगी तो कई सारे इश्यूज आपको परिवार में देखने चालू होंगे। पहले इश्यूज, बच्चों का समाजीकरण। सोशलाइजेशन ऑफ अ चाइल्ड। अब बताइए, न्यूक्लियर फैमिली जहां पर माता पिता और उसके बच्चे, चाहे वो पलायन करके शहर में आ गए, चाहे गांव में वो अलग होके अपने मूल परिवार से क्या हो गए, अलग होकर रहने लग गए। आज देखिएगा, हर छोटे छोटे परिवार जो संयुक्त परिवार में रहते थे, सब लोगों ने अपने अपने क्या बना लिए, अलग आवास बना लिए या अलग किचन हो गया, अलग अलग तरीके से क्या कर रहे हैं, वो रह रहे हैं। तो बच्चों का समाजीकरण, पहले बच्चों का समाजीकरण संयुक्त परिवार के सभी मेंबर्स करते थे, लेकिन आज के दिन में ये बच्चों के समाजीकरण में रोल आ गया है किंडरगार्टन का, क्योंकि माँ बाप ही रहते हैं परिवार में और पिताजी अगर वर्किंग है तो माँ भी अगर वर्किंग है तो बच्चों के लिए वो समय नहीं दे पाते। तो संयुक्त परिवार में इसी कारण देखिएगा, बच्चों के समाजीकरण में तकनीकी का रोल, टेक्नोलॉजी का रोल बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। पहले क्या होता था, अगर बच्चा रोता था तो बच्चे को चुप कराया जाता, अगर बच्चा कुछ खा नहीं रहा है तो उसे प्रयास किया जाता था। बच्चे को समाज के सभी सदस्य क्या करते थे, टाइम देते थे, बातचीत करते थे, उसे नए नए उसके अंदर गुण, योग्यता, कुशलता, संस्कृति सिखाई जाती थी। लेकिन अब क्या होता है, हाथ में मोबाइल थमा दिया जाता है, बच्चा खा नहीं रहा है तो उसको वीडियोस दिखा दीजिए, मोटू पतलू है, कई सारे आपको वीडियोस इस तरह के हैं, कार्टून टाइप के, उसको आप दिखा दीजिए, उसके हाथ में आप तकनीकी दे दीजिए, बच्चा रो रहा है उसके हाथ में तकनीकी दे दीजिए, मोबाइल दे दीजिए, कुछ ना कुछ देख करके वो क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा। लेकिन ये नहीं पता है कि वो मोबाइल बच्चों का सोशलाइजेशन कर रहा है और सोशलाइजेशन में वैल्यूज कल्चर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आपने वो सामान दे दिया जहां से बच्चा कुछ ना कुछ देख करके क्या हो रहा है, खाली कुछ हो रहा है, उसको ये नहीं पता है क्या सही है क्या गलत है, उसे वहां से डांट नहीं पड़ रही है, उसे सही गलत का वहां पर एहसास नहीं कराया जा रहा है। तो प्रॉब्लम कहां आ रही है, बच्चों के समाजीकरण में। नाभिक के परिवार मनोरंजन नहीं करता, मनोरंजन संबंधित प्रकार नाभिक परिवार में नहीं होते हैं, क्योंकि परिवार के सदस्यों की संख्या क्या हो गई, बहुत कम हो गई, तो ये मनोरंजन नहीं होता है, तो परिवार के सदस्यों में तनाव, विवाद की उच्च प्रवृत्ति देखी जाती है, ठीक है। नाभिक के परिवार में भावनात्मक समस्या भी है, इमोशनल लगाव भी नहीं है, इसलिए आप देख रहे हैं पति पत्नी के संबंधों में तनाव बहुत तेजी से देखा जा रहा है, तलाक की दर बहुत तेजी से देखी जा रही है, ठीक है। तो परिवार में एक इश्यूज क्या हो गया, परिवार में एक इश्यूज हो गया कि परिवार में संयुक्त परिवार किसमें रूपांतरित होता, न्यूक्लियर फैमिली, ठीक है। और इश्यूज क्या है फैमिली में, परिवार से संबंधित मुद्दे और क्या है, वृद्धों से संबंधित मुद्दे, वृद्धों से संबंधित मुद्दे क्या है, वृद्ध जो परिवार की गरिमा हुआ करते थे, आज वही वृद्ध परिवार में दयनीय स्थिति में, वो अलगावित हैं, उनके साथ जेनरेशन गैप है, परिवार के सदस्य उनको एक हिसाब से बोझ की तरह समझते हैं, और भारत में करीब 40% वृद्ध जो हैं वो तनाव अलगाव के शिकार हैं और वह अपनी समस्या को किसी के सामने जिक्र भी नहीं कर सकते,
ठीक है। ऐसा कई सारे अध्ययन बताते हैं, वृद्धों से पूछा गया कि वह कहाँ रहना चाहते हैं, परिवार के सदस्यों के साथ या वृद्धाश्रम में, तो वृद्धों ने वृद्धाश्रम के लिए सहमति दी, क्योंकि कम से कम वहां पर आत्मसम्मान वृद्धों का क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा। तो ये समझिए आप कि वो परिवार जिसको वृद्ध ने बनाया, सींचा, और वही परिवार उस वृद्ध को क्या कर रहा है, बाहर कर रहा है। तो यह जो कर रहा है वही उनके साथ भविष्य वाले जनरेशन भी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आइए, महिला से संबंधित मुद्दे परिवार में। ये क्या है, आप बराबर पढ़ते होंगे दहेज के लिए, आप बराबर पढ़ते होंगे कि लैंगिक हिंसा महिलाओं के साथ, मैरिटल रेप जैसी घटनाएं, महिलाओं के साथ भेदभाव, महिलाओं के साथ हिंसा और महिलाओं की स्वतंत्रता। आपने सुना होगा अमर सेन ने, हमने कहा था आपको, मिसिंग वुमेन जैसी कॉन्सेप्ट, परिवार ही है जो भ्रूण हत्या करवाता है। चाइल्ड सेक्स रेशियो अगर भारत में एडवर्स है तो इसके पीछे का मूल कारण क्या है, परिवार ही है। तो महिला से संबंधित मुद्दे, पैट्रियार्की आज भी विद्यमान है परिवार में, लैंगिक हिंसा परिवार में बहुत ज्यादा होती है। रिपोर्ट कहती है कि महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार और रेप में 70% केसेस में रिश्तेदार और नातेदार ही होते हैं। तो ये क्या है, महिलाओं के प्रति, ठीक है। हमने चाइल्ड सेक्स रेशियो भी क्या है, यही कारण है। दहेज के लिए कई बार जला दी जाती है, हत्या हो जाती है, ऐसी कई सारी घटनाएं आप पढ़ते हैं। तो ये क्या हो गया, परिवार से लैंगिक संबंधित क्या हो गया, इश्यूज हो गए, ठीक है। नेक्स्ट आइए, परिवार एवं भौतिकवाद, उपभोक्तावाद और व्यक्तिवाद, फैमिली एंड मटेरियलिज्म, कंज्यूमरिज्म और इंडिविजुअलिज्म। ये तीन क्या है, ये वाद है, ये विचारधारा है, और आज ये परिवार में तेजी से क्या हो गए, घुस गए, ठीक है। आज परिवार लालची हो गया, ग्रीडी हो गया। आज परिवार यह चाहता है कि अधिक से अधिक भौतिक संसाधन उसके पास हो, अच्छे मकान हो, वह अच्छे संस्कार की बात नहीं करता, और वह अपने बच्चों से भी यही अपेक्षा करता है कि वह पढ़ लिख ले, अच्छी नौकरी प्राप्त कर ले, अच्छे पैसे कमाए, ताकि समाज में उसको बेहतर क्या मिले, सम्मान मिल पाए, ठीक है। कई सारे राज्यों में यह देखा गया गांव में कि परिवार, वो परिवार अपने, जब अगर कोई सरकारी अधिकारी उस गांव से है या कोई अच्छा बिजनेसमैन है, तो वह अपने मकान में वह लिखवा देता है, और अगर उस गांव में अच्छे मकान बनाए गए हैं तो लोग दूर से यह अनुमान लगा लेते हैं कि कहीं ना कहीं उस परिवार से कोई ना कोई सदस्य किसी सरकारी या बेहतर क्या है, नौकरी में, और इससे समाज में उसकी क्या बढ़ जाती है, प्रतिष्ठा बढ़ जाती है, ठीक है। ऑब्वियसली बात, ये क्या है, ये भौतिकतावाद उपभोक्तावाद का क्या है, परिणाम है, और यह परिणाम समाज के भी हर परिवार के सदस्यों में क्या होगा, यह फैलेगा, और यह समाज ग्रीडी हो जाएगा, और इस समाज में जब लालच हो जाएगा तो प्राकृतिक असंतुलन और मानवीय असंतुलन, ह्यूमन डिसबैलेंस होना क्या होगा, तैयार होगा। तो ये क्या हो गए, परिवार से संबंधित क्या हो गए, इश्यूज हो गए, ठीक है। और भी आइए, परिवार की एक महत्वपूर्ण इकाई है विवाह, मैरिज, क्योंकि विवाह से परिवार का आकार क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि पहले परिवार का संबंध ब्लड रिलेशन से एस्टैब्लिश होता है, और जैसे ही मैरिज हो जाता है तो मैरिज रिलेशन से परिवार का आकार क्या होता है, बढ़ता है। परिवार विवाह जो है भारतीय संस्कृति और सभ्यता के अनुसार यह एक संस्कार है, जहां पर आप दो व्यक्ति एक संस्कार के तहत क्या हो जाते हैं, दो विपरीत लिंग के लोग एक संस्कार के तहत क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और धर्म के नियम के तहत अपने जीवन को क्या करते हैं, यात्रा को शुरू कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह जन्म जन्मांतर का संबंध है। जोड़िया कहां से बनाई जाती है, ऊपर से बनाई जाती है, ईश्वर बनाता है, और यह संबंध आपको जन्म से जन्म जन्म जन्मांतर, मतलब क्या, इस जन्म से लेकर के अगले जन्म तक आपको वही जोड़िया क्या होती, टिकी हुई। यह संस्कार है, विवाह एक संस्कार है, जहां पर आपको धर्म के लिए क्या कहता, प्रेरित किया जाता है, आपको ऋण से उऋण होने के लिए। आप देखे होंगे कि कई सारे भारत में कई सारे जो आपको धार्मिक संस्कार करने होते हैं, यह वैवाहिक जीवन के बाद ही आप कर सकते हैं, और अर्धांगिनी जिसे पत्नी कहा जाता है, वो पत्नी आपके उस संस्कार में क्या होती है, शामिल होती है, ठीक है। तो विवाह क्या है भारत के संदर्भ में, एक संस्कार है,
एक समझौता नहीं है, संविदा नहीं है कि दो ऑपोजिट सेक्स के लोग आपस में विवाह हो गया, एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया और वो दोनों साथ में रहने के लिए क्या हो गया। ये एक संस्कार है, ये एक धर्म है जिसे आपको क्या करना है, पालन करना है। तो विवाह से हमने क्या बोला, परिवार का आकार क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन विवाह से संबंधित कई सारे इश्यूज हमें दिखाई देते, मुद्दे। पहला मुद्दा तलाक। आज विवाह की स्थिरता जो पहले थी वो आज दिखाई नहीं देती, आज विवाह कहीं ना कहीं अस्थिर हो चुका है। करीब तलाक दर्ज होने की अर्जी बहुत तेजी से बढ़ी है, क्योंकि पति पत्नी के संबंधों में जो मधुरता और जो समानता होनी चाहिए वो नहीं दिखाई देती है, या हर राज्य में यह समस्या आपको दिखाई देती है। और इसके पीछे का मूल कारण यह है कि दोनों पक्ष में, दोनों लिंग में विश्वास की भावना क्या हो गई है, कम हो गई है। और इसके पीछे परिवार में जो है व्यक्तिवाद, उपभोक्तावाद और भौतिकतावाद। परिवार में जब आप रह रहे हैं, जब दो लिंग के लोग साथ रह रहे हैं, क्योंकि आपने संस्कार के तहत जुड़े हैं, तो एक पक्ष को दूसरे पक्ष की आवश्यकता और दूसरे पक्ष को पहले पक्ष की आवश्यकता को आपको समझना चाहिए। और विश्वास की डोर जैसे ही टूटती है तो कहां जाएगा, तलाक की समस्या उत्पन्न होगी, संबंधों में कटुता। दूसरा, दहेज। दहेज एक मूल सामाजिक समस्या है, विवाह। यह समस्या बेटी को एक बोझ की तरह समझती है और माँ बाप यह चाह, माँ बाप बचपन से ही, भारत में देखिए, भारत एक आप कहिए कि एक विरोधाभासी समाज है, जहां पर बचपन से बेटियों के विवाह के लिए, बच्ची जन्म नहीं हुई उसके विवाह के लिए, दहेज के लिए शुरू से पैसे क्या किए जाते हैं, इकट्ठे कर लिए जाते हैं। लेकिन वो पैसे उसकी शिक्षा में खर्च नहीं किए जाते हैं। अगर वो शिक्षित हो जाएगी, ओबीसी बात है कि वो बेहतर जीवन शैली को जी सकती, लेकिन माँ बाप के दिमाग पर क्या होता है, बेटी है तो हमें उसकी शादी में क्या देना हो, दहेज देना होगा। आज तो दहेज प्रतिष्ठा का विषय बन चुका है कि शादी विवाह में लड़का को क्या मिला। और अगर लड़का किसी सरकारी नौकरी पर है, किसी उच्च पद पर है, किसी भी ऑफिसर क्लास में है, बैंक में है, तो रेट लगता है कि लड़के का रेट तय किया जाता है कि ये किस रेट में फिक्स किया जाएगा, ठीक है। दहेज प्रथा, आप बताइए ये जो विवाह से संबंधित ये मूल समस्या जो मेजोरिटीज है, ये जो समस्या है, ये समस्या कहीं ना कहीं महिलाओं के प्रति एक नजरिया, परिवार का एक नेगेटिव विकसित होता है। अगर माँ बाप को ये पता रहे कि बेटी हमारी हुई और विवाह से उसके दहेज की बातें ही ना हो, तो विवाह, बेटी का विवाह उनके लिए एक बोझ महसूस नहीं होगा। और वह क्या होगा कि बेटी की बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए क्या करेंगे, निवेश करेंगे। और क्या होगा, पूरी मानसिकता समाज की क्या होगी, बदलेगी। और याद रखिएगा, कानून सबके लिए है, कानून इसके लिए भी है, लेकिन क्रियान्वयन पक्ष बहुत वीक है। और तेजी से जैसे जैसे समाज में आर्थिक इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है, और दहेज की समस्या क्या हो रही है, और भी गंभीर हो रही है। नेक्स्ट आइए, विवाह दिखावा, पूंजीवाद। आज आप देखिएगा, पहले विवाह एक संस्कार होता था, विवाह में परिवार के सभी सदस्य, संयुक्त परिवार के नातेदार रिश्तेदार शामिल होते थे, और रिश्तेदार सभी लोग मिल करके पूरे विवाह कार्यक्रम का क्या करते थे, आयोजन करते थे, और न्यूनतम खर्च में विवाह कार्यक्रम क्या हो जाता था। लेकिन आज विवाह एक दिखावा, एक पूंजीवाद का एक स्वरूप ले चुका है, जहां पर हर चीज थीम आधारित, डेस्टिनेशन आधारित, लाखों करोड़ों रुपए क्या करते, बर्बाद कर दिए जाते हैं तीन दिन की खुशी में। डीजे, आपको खाने की व्यवस्था, बफे सिस्टम, अधिक से अधिक लोगों को बुलाना, आदान प्रदान चीजों का, टेंट, मतलब कई बार विवाह परिवार को गरीबी की श्रेणी में ले आता है। ऐसा क्यों होता है कि जब एक गांव में कुछ लोग अपनी बेटियों का या बेटों का विवाह बहुत धूमधाम से करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर में भी एक अप्रत्यक्ष रूप से दबाव उत्पन्न हो जाता है कि वो कैसा विवाह कर रहे हैं। तो जैसा विवाह में खर्च करेंगे, वैसा ही समाज में आपका सम्मान तय होगा, या लोगों की मानसिकता बन जाती है, और बड़ी मात्रा में लोग कर्ज लेकर के क्या करते हैं, अपने बच्चों बच्चियों का विवाह करते हैं, और फिर जिंदगी भर उस कर्ज को चुकाने में क्या करते हैं, आय अर्जित करते हैं। बताइए, एक तरफ तलाक की समस्या है, मतलब क्या है कि एक तरफ संबंधों में मधुरता नहीं है, और दूसरी तरफ उस संबंध को जोड़ने के लिए हम क्या कर रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। आवश्यकता यह है कि जो दो लोग जुड़ रहे हैं वो जिंदगी भर खुश रहे, वह एक दूसरे की चीजों को समझे। जरूरी यह नहीं है कि आप विवाह में कितना ज्यादा क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। और यह खर्च, आपको यह पता होगा कि भारत में करीब
5 करोड़ लोग प्रतिदिन भूखे सोते हैं और शादी ब्याह में बड़ी मात्रा में क्या होती है, खाने की बर्बादी होती है। अगर भारत में करीब ऐसे परिवार हैं, करीब 3 से 4 करोड़ परिवार हैं जो अपनी आजीविका के लिए जो जितना पैसा न्यूनतम आवश्यकता चाहिए वो नहीं अर्जित कर पाते। भारत में ऐसे भी परिवार हैं जो अपनी शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए बच्चों में निवेश नहीं कर पाते, कुपोषित है। अब बताइए कि एक तरफ लाखों करोड़ों की मात्रा में पैसा खर्च कर दिया जा रहा है, वेस्ट कर दिया जा रहा है, और दूसरी तरफ लोग कुछ चंद पैसे के लिए क्या है, मोहताज। अब बताइए कि समाज अगर नहीं बदलेगा तो बदलना किसे होगा। अगर विवाह में जितना खर्च होता है, जितने खाने की बर्बादी होती है, उससे लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी को क्या कहता बदला जा सकता है। आप जो खर्च शादी ब्याह में करते हैं उस पैसे को सेव करके उस लड़की के खाते में क्या कर दीजिए, डिपॉजिट कर दीजिए, और उसे भविष्य की सुरक्षा उसकी क्या हो जाएगी, सुनिश्चित होती। लेकिन फिर लोग तर्क देते हैं कि विवाह तो क्या होता है, सिर्फ एक बार होता है, एक बार होता है, ये बात सही है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप उस 3 दिन के लिए एक बड़ी राशि को, धनराशि को व्यर्थ में खर्च कर दिए। आवश्यकता यह है विवाह के बाद आपका जीवन कितना सुखमय है, आप एक दूसरे को कितना ज्यादा क्या करते हैं, समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए, जाति। विवाह में एक समस्या क्या है, जाति की भी समस्या है, अपनी जाति में ही क्या होगा, विवाह होगा। आप बताइए जाति में विवाह होगा या जातिवाद की भावना है। आपने नाम सुना होगा ऑनर किलिंग का, आपने नाम सुना होगा कंगारू कोर्ट का। अगर आप डिफरेंट जाति में, अलग जाति में अगर आप विवाह कर लेते हैं तो हरियाणा, पश्चिम बंगाल जैसे राज्य, सेम राज्य हैं, खाप पंचायत हरियाणा जैसे राज्यों में और कंगारू कोर्ट पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में, अगर आप अलग जाति में विवाह करते हैं तो ऑनर किलिंग मतलब क्या है, लड़के और लड़की दोनों की क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। हत्या करके यह निर्णय किसका होता है, खाप पंचायत, पंचायतों का निर्णय होता है, क्योंकि उन्होंने अपनी जाति व्यवस्था, अपने समाज की व्यवस्था को क्या किया, तोड़ा। यह एक संकीर्ण विचारधारा कि जीवन साथी का चयन यह स्वयं निर्धारित होना चाहिए, क्योंकि आपको आर्टिकल 19 स्वतंत्रता का अधिकार देता है कि आप स्वतंत्र हैं कि आप अपने जीवन में क्या कर सके, निर्णय ले सके। ठीक है, और यह स्वतंत्रता आप डिसाइड करेंगे, क्योंकि जीवन में आपको साथी के साथ रहना, यह समाज डिसाइड नहीं कर सकता, लेकिन यह भारत की संस्कृति है कि बड़े बुजुर्ग भी क्या होते हैं, उसमें शामिल होते हैं, और आप जीवन किनके साथ गुजारेंगे वो क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। यह भी सही है, लेकिन इसमें लड़के की सहमति या लड़की की सहमति होना बहुत जरूरी है। लेकिन भारत में एक प्रमुख फैक्टर है जाति और पैसा, मतलब क्या है कि समान वर्ग वाले लोग, समान आर्थिक क्षमता वाले लोग अपने ही आर्थिक वर्ग में क्या करते हैं, विवाह करते हैं, और समान जाति के लोग अपनी ही जाति में विवाह करते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि आप सपोज कीजिए कि राजपूत हैं, सपोज कीजिए, और राजपूत में ही विवाह होगा, तो एक तो यह जाति हो गया, दूसरी तरफ राजपूत में भी क्लास होगा कि उच्च वर्ग जिसके पास पैसे ज्यादा है, मध्यम वर्ग जिसके पास कम पैसे हैं, और लोअर क्लास निम्न वर्ग जिसके पास और कम पैसे। तो उच्च वर्ग वाले उच्च वर्ग के राजपूत में ही विवाह होगा, मध्यम वर्ग वाले मध्यम वर्ग वाले राजपूत में विवाह होगा। मतलब क्या है, विवाह में जाति भी है और विवाह में वर्ग भी है, और यह क्या करता है, आपके विवाह के दायरे को क्या करता है, संकुचित करता है, और यह समस्या क्या होती है, मौलिक समस्या लेकर। यह संपूर्ण भारत में, लेकिन शहरों में जहां एक शिक्षित वर्ग रहना चालू किया है, थोड़ी बहुत मानसिकता में बदलाव हुई है, लेकिन आज भी भारत में अधिकांश विवाह अपनी ही जाति में क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए। तो विवाह से संबंधित क्या क्या मुद्दे हो गए, तलाक की समस्या है, दहेज की समस्या है, दिखावे की संस्कृति की समस्या है, जाति एक क्या है, प्रमुख समस्या। फिर हमने कहा कि खाने की बर्बादी, फूड वेस्ट, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेस, संसाधनों की बर्बादी भी क्या है, विवाह में एक प्रमुख समस्या। ठीक है, तो हमने 2 मुद्दे चर्चा की, परिवार और विवाह की। ठीक है, एजुकेशनल इश्यूज इन इंडिया, शिक्षा एक मूक क्रांति है। पहले क्या, शिक्षा क्या है, मूक क्रांति है, एक साइलेंट रिवॉल्यूशन है। आप बताइए, शिक्षा वो हथियार है
जिसने पूरी व्यवस्था को क्या किया, बदल दिया। और शिक्षा ही वह हथियार है जो पूरी व्यवस्था को क्या कर सकता है, बदल सकता है। क्योंकि शिक्षा आपकी मानसिकता को बदलता है और मानसिकता आपके विचार को बदलती है और विचार आपके क्या करते हैं, व्यवहार को बदलते हैं। अगर पूरे समाज को शिक्षित कर दिया जाए, अगर पूरे समाज को शिक्षित कर दिया जाए तो सही रास्ते पर लोग क्या करेंगे, चलना चालू करेंगे, और गलत रास्ते का लोग क्या करेंगे, विरोध करेंगे। आज आप स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, जापान, इन जैसे देशों के नाम क्यों पढ़ते हैं? ये देश न सिर्फ आर्थिक विकास में उच्च हैं, बल्कि सामाजिक प्रगति, सोशल प्रोग्रेस में भी क्या है, काफी हाई रैंकिंग रखते हैं। यहाँ के लोगों का लाइफ स्टाइल, इन्वायरमेंट भी यहाँ का क्या है, काफी बेहतर है। लोगों का लिविंग एक्सपेक्टेंसी, मतलब क्या है, जीवन प्रत्याशा भी क्या है, काफी हाई है। लोग बहुत खुश हैं। रीजन क्या है, लोग क्या है, हाईली एजुकेट है। एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ना और लिखना जानते हैं, क्योंकि भारत में साक्षरता दर का आकलन कैसे किया जाता है, कि आप 7 वर्ष के हो और आप लिखना और पढ़ना जानते हो। अरे भैया, लिखना और पढ़ना के आधार पे आप साक्षरता कैसे आकलन कर सकते हैं? आपको मैंने एक पेज दे दिया, आप उस पेज को देख करके लिख लिए और उस पेज को आप पढ़ लिए, क्या मैं समझ सकता हूं कि आप शिक्षित हैं, आप साक्षर हैं? भारत में इस आधार पे ऑलमोस्ट 73% लोग क्या हैं, शिक्षित हैं। और अगर शिक्षा के वास्तविक अर्थ के आधार पे तुलना की जाए तो हो सकता है यह आंकड़ा 33% पे भी क्या हो जाए, ठहर जाए। मतलब शिक्षा एक क्रांति है, शिक्षा आपके विचार और व्यवहार को बदलती है, शिक्षा आपकी जीवन शैली को बदलती है, शिक्षा आपको आपके व्यक्तित्व का विकास करती है, शिक्षा आपको जानवर से क्या बनाती है, मनुष्य बनाती है। और शिक्षा ही वह हथियार है जिससे हम सारी व्यवस्था को बदल सकते हैं। आप बताइए, भारत में जाति के आधार पे लोकतंत्र चलता है, वोट पॉलिटिक्स होता है, लोग समाज को बांटते हैं, राजनीतिक पार्टियां समाज को क्या करती है, बांटती है और शासन करती है। मैकेंजी की रिपोर्ट बताती है कि भारत में 85% जो ग्रेजुएट्स हैं वो किसी बैकग्राउंड का हो, आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, साइंस के हो, वो किसी काम के लायक नहीं है। शिक्षित, साक्षर हैं, शिक्षित हैं, लेकिन कोई काम के नहीं है। खाली क्या है, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन मस्तिष्क का प्रयोग। भारत में कभी स्टार्टअप क्यों नहीं खड़ा हुआ, व्हाट्सएप, फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये पश्चिम में क्यों बन पाए, ये वहीं से क्यों आए? आज भी बताइए कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति इतने तेजी से स्प्रेड क्यों नहीं कर पाई, जिस हिसाब से पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति क्या हो गई, स्प्रेड कर पाई। आप देखिए, मैकडोनाल्ड्स, KFC बहुत तेजी से स्प्रेड कर गया, कोका कोला तो गांव गांव तक पहुंच गया, लेज, कुरकुरे तो गांव गांव के हर दुकान में आपको मिलेगा, लेकिन इंडियन कल्चर, इंडियन खान पान आपको हर जगह दिखाई नहीं देगा। शिक्षा, एजुकेशन आपको अंधकार से कहां ले जाती है, प्रकाश की। तो शिक्षा एक यात्रा भी है। बुद्ध जन्म से बुद्ध नहीं थे, बुद्ध सिद्धार्थ थे, और सिद्धार्थ ने शिक्षा प्राप्त करके क्या बन गए, बुद्ध बन गए। वो यात्रा अंधकार से कहां की थी, प्रकाश की। अंधकार मतलब कि आप अज्ञानी हैं, आपको यह बोध नहीं है कि मैं कौन हूं, आपको यह बोध नहीं है कि समाज क्या है। और शिक्षा कहां होगी, अंधकार से प्रकाश की ओर, और प्रकाश का मतलब यह बोध हो जाना कि मैं कौन हूं, मेरे उद्देश्य क्या हैं, मुझे किस काम के लिए भेजा गया है, ये क्या हो गया, बोध हो जाना। तो शिक्षा एक यात्रा है अंधकार से कहां लेकर की, प्रकाश की। शिक्षा आत्मज्ञान लेकर के आता है, सेल्फ नॉलेज। आप यह समझते हैं कि आपके आपकी कमियां क्या है, आपका मजबूत पक्ष क्या है, आप अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं, आपके लक्ष्य क्या है, मतलब आपका सगुण पक्ष क्या है, आपका दुर्बल पक्ष क्या है। शिक्षा आत्मज्ञान भी है जो आपको आपकी कमजोरियां को भी क्या करता है, बताता है, सही और गलत को चयन करने का क्या करता है, माध्यम है। तो शिक्षा तो बड़ी चीज है, बड़ी क्या,
शिक्षा ही वह माध्यम है जिससे हम देश को क्या कर सकते हैं, सशक्त बना सकते हैं, भारत के लोगों को कुशल बना सकते हैं। अब बताइए, भारत में बड़ी मात्रा में बेरोजगारी दर है, लोग ग्रेजुएट हैं उसके बाद भी लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोग 10,000-12,000 में सेल्समैन की नौकरी कर रहे हैं, गले में पट्टा लगा लिए और घर घर क्या करें, कुछ कुछ सामान भेज रहे हैं, केपीओ बीपीओ में नौकरी कर रहे हैं, अंग्रेजी में बातचीत कर रहे हैं और कितना सैलरी मिल रहा है, 10,000-12,000 रुपए। लेबर मानसिक श्रम कर रहे हैं लेकिन शारीरिक श्रम वाले लेबर जितनी क्या मिल रही है, उनको सैलरी मिल रही है। रीजन क्या है, डिग्री तो है लेकिन वो शिक्षित नहीं। वही चीज आप देखिए, भारत में बड़ी मात्रा में चीजों का क्या होता है, इंपोर्ट होता है बहुत सारी चीजों का। क्या भारत के लोग उस चीज को नहीं बना सकते? छोटे छोटे आप देख खिलौने, अब पूजा की कई सारी सामग्रियां, कितने भी फेस्टिवल्स भारत में होते हैं, रंग्स कलर्स जो दिवाली के कलर्स होते हैं, छोटे छोटे टॉयज, घरेलू कई सारे उत्पाद, फूड आइटम्स, प्रोसेसिंग आइटम्स, ये बेसिक चीजें हैं, बड़ी चीजें नहीं है जो भारत में बड़ी मात्रा में क्या होता है, इंपोर्ट होता है, आसानी से वो चीजें भारत में उपलब्ध करवाई जा सकती है। प्रॉब्लम क्या है, शिक्षा। हम बेरोजगार हैं लेकिन सामने, आपके सामने अवसर है। भारत एकमात्र देश है विश्व का कि अगर इस देश में अगर आप शिक्षित, मतलब आप डिग्री होते हुए आप बेरोजगार हैं, तो यह आपकी कमजोरी है, सरकार की कमजोरी या शासन की कमजोरी नहीं है, समाज की कमजोरी नहीं है, यह आपकी कमजोरी है क्योंकि आप उस योग्यता का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके पास डिग्री तो है लेकिन आप शिक्षित या साक्षर नहीं। ठीक है, भारत देश आपको मौका देता है। शिक्षा, तो शिक्षा जब इतना महत्वपूर्ण है, आप याद रखिएगा एक मनुष्य है आप, हम सब मनुष्य हैं, मनुष्य के दो चीजों का विकास ही जरूरी है, एक हो गया फिजिकल डेवलपमेंट शारीरिक विकास और एक हो गया मेंटल डेवलपमेंट मानसिक विकास। शरीर स्वस्थ रहे और मस्तिष्क क्या रहे, स्वस्थ रहे, या दोनों स्वस्थ है तो तीसरे डेवलपमेंट की शुरुआत होती है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट आध्यात्मिक विकास। ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए, अच्छा फूड चाहिए, इसको बोलते हैं हेल्थ एस्पेक्ट्स, फिजिकल हेल्थ, आपको अच्छा खान पान चाहिए, आपको योगा चाहिए, आपको एक्सरसाइज चाहिए, मेन अच्छा फूड चाहिए, तो आप कुपोषित नहीं होंगे, आपको कई सारी समस्याएं नहीं होंगी, हेल्थ अच्छा रहेगा, मजबूत रहेगा। मेंटल डेवलपमेंट, इसके लिए क्या चाहिए, एजुकेशन, ये एजुकेशन से मिलेगा और ये किसे मिलेगा, हेल्थ से मिलेगा। तो हेल्थ आपके फिजिकल डेवलपमेंट को लेकर के आएगा और एजुकेशन आपके मेंटल डेवलपमेंट को लाएगा। जब शरीर और मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा, शुद्ध रहेगा या समृद्ध रहेगा, जब शरीर अच्छा रहेगा मस्तिष्क अच्छा रहेगा तो आपका स्पिरिचुअल आध्यात्मिक विकास भी क्या रहेगा। याद रखिएगा जिंदगी भर की लड़ाई ये तीन डेवलपमेंट की ही है, जिसका ये तीन डेवलपमेंट जितना स्ट्रांग होगा उसकी यात्रा उतनी ही क्या होगी अच्छी होगी और जीवन में सफलताएं उसको क्या मिलेगी, उतनी ही ज्यादा मिलेगी। ठीक है, हम लोग बात कर रहे थे शैक्षणिक मुद्दे में, मुद्दे क्या क्या है, ये तो हमने बात की थी, शिक्षा क्या है, बेसिक चीज हमने बात की, जो एजुकेशनल इश्यूज हैं उसमें इश्यूज क्या क्या आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा इश्यूज भारत में अशिक्षा, एक तो साक्षरता दर कम है, दूसरी तरफ जितने साक्षर हैं वास्तव रूप से वो भी साक्षर नहीं है। एक तिहाई भारत में वास्तविक साक्षरता दर है, सरकार के आंकड़े अगर कहती है 70-73% लोग शिक्षित हैं, लेकिन अगर आप और उसका आधार क्या है कि जो जो 7 वर्ष का है, जो लिखना और पढ़ना जानता है, उसको भारत में हम क्या मानते हैं, साक्षरता मानते, लेकिन वो शिक्षित नहीं है। वास्तविक रूप से भारत में अधिकांश लोग क्या है, अशिक्षित है, जिस कारण देश की प्रगति क्या हुआ, रुकी हुई। दूसरा, शैक्षणिक गुणवत्ता, एजुकेशनल क्वालिटीज। आप ये बताइए, बच्चों को जो शिक्षा मिलती है, चाहे वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में मिले, सरकारी शिक्षण संस्थाओं में मिले, चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में मिले, हमने शिक्षा व्यवस्था को रोट लर्निंग के आधार पे बना दिया और मार्क्स ओरिएंटेड बना दिया है, कि आप रटिए और अधिक से अधिक क्या लेकर के आइए, मार्क्स लेकर के आइए, दिमाग की चाबी नहीं खुली जाती है। अब ये देखिएगा कि बचपन से जो आपको शिक्षा मिली हुई है, क्लास 10th के बाद आपको ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि आपके जीवन के लक्ष्य क्या है, लेकिन यह ग्रेजुएट होने के बाद भी यह नहीं पता है कि जीवन में करना क्या है, तब कौन सी शिक्षा आपने हासिल की।
गांव की शिक्षा पद्धति तो और भी वर्स्ट है, और प्राइवेट वाले तो चीजों को और भी खराब करते जा रहे हैं, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा कर दिए हैं, अंग्रेजी थोड़ा पढ़ा देते हैं तो माँ बाप को लगता है कि मेरा बच्चा अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहा है, लेकिन अगर 10 दिन वहां पर क्लास कर ले माँ बाप तो पता चल जाएगा कि वहां की वास्तविकता क्या है। मोटी मोटी किताबें, अंग्रेजी वाली किताबें, महंगी महंगी किताबें, महंगा महंगा इंफ्रास्ट्रक्चर, बढ़िया बढ़िया कपड़ा, गाड़ियों के द्वारा एंट्री और एग्जिट करवा देते हैं, तो उनको लगता है कि माँ बाप को लगता है कि मेरा बच्चा बहुत ज्यादा अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है। लेकिन अगर वास्तविक यथार्थ को देखा जाए तो वो खाली दिखावा है, अगर यथार्थ को देखा जाए तो कोई वैसी शिक्षा व्यवस्था नहीं है। अब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की आप देख लीजिए, सैलरी बहुत अच्छी मिलती है टीचर्स को, लेकिन टीचर्स की नियुक्ति प्रणाली में बड़ी समस्या है। दूसरी बात, अपनी जिम्मेदारी को टीचर्स नहीं समझते, वो समझते हैं कि यह सुरक्षा का पद हमें क्या मिल चुका है। बच्चे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा नहीं है, डेस्क बेंच की समस्या है, आजकल टेक्निकल अपग्रेडेशन भी चाहिए, वो भी आपको दिखाई नहीं देता। तो ये शैक्षणिक गुणवत्ता, ये गुणवत्ता आपको उन्नत नहीं है, ये गुणवत्ता आज भी परंपरागत शिक्षा पद्धति पर है, जिससे बच्चों के अंदर वो गुणवत्ता विकास नहीं हो पाता। तीसरा आइए, शैक्षणिक असमानता, एजुकेशनल इनइक्वलिटीज। आज आप बताइए कि उच्च वर्ग वाले ज्यादा शिक्षित हैं, लोअर क्लास वाले कम शिक्षित हैं, पुरुष ज्यादा शिक्षित हैं, महिलाएं क्या है, कम शिक्षित है, उच्च जातियां ज्यादा शिक्षित है, निम्न जातियां कम शिक्षित है। नेक्स्ट आइए, अल्पसंख्यक विशेष करके मुस्लिम्स कम शिक्षित हैं और अन्य धर्म वाले क्या है, ज्यादा शिक्षित है। नेक्स्ट आइए, ट्राइबल्स, शेड्यूल कास्ट, ये क्या है, इनके बच्चे कम शिक्षित। मतलब क्या है, शिक्षा समाज में असमानता लेकर के आती है। अगर आपके पास पैसे हैं या आप उच्च जाति से हैं, उच्च वर्ग से हैं, आप पुरुष हैं तो आपको शिक्षा क्या मिलती है, ज्यादा मिलती है, शिक्षा तक पहुंच क्या रहती है, ज्यादा रहती है। और अगर आप महिला हैं, आप अल्पसंख्यक में मुस्लिम्स हैं, आप शेड्यूल कास्ट में हैं, तो आपको शिक्षा क्या होती है, आप जनजाति हैं तो आपको शिक्षा क्या मिलती है, कम। नेक्स्ट आइए, शिक्षा एवं नैतिकता, आज नैतिकता शिक्षा के द्वारा हमें पढ़ाया नहीं जाता। बड़ी बड़ी बातें लिख दी गई है, गांधी के 7 पाप, विवेकानंद की बड़ी बड़ी बातें, हमारे ऐतिहासिक आंदोलन की जो मूल मूल बातें हैं, मूल अधिकार लिख दिए गए हैं, मूल कर्तव्य लिखा दिए गए हैं, प्रस्तावना लिख दी गई है, लेकिन क्या है वो ये नहीं पता, पपड़ी उतर गई है वहां पर, शब्द कई बार अस्पष्ट नहीं दिखाई देते हैं, चित्रकला कर दी गई है, लेकिन यह नहीं बताया जाता है कि किया क्यों गया है, किस चीज के लिए किया गया है। नैतिकता, वो नैतिक गुण सिखाने के लिए बच्चों के लिए किए गए। आज भी आप देखिए, बच्चों में हिंसा, बच्चों में तनाव, बच्चों में डिप्रेशन उच्च स्तर पर देखा जा रहा है, और वही बच्चे क्या बनेंगे, भारत के भविष्य बनेंगे। दूसरी बात, डॉक्टर भारत में बनते हैं, लेकिन 10 में से 6 केस क्या हो रहा है भारत में, सीजरियन हो रहा है, डॉक्टर लूटने के लिए। मतलब आप देखिएगा कि अगर आपको नॉर्मल से बीमारी हो गई है और आप प्राइवेट हॉस्पिटल में गए तो 50-60 हजार का नॉर्मल सा बिल बनना कोई बड़ी बात अब नहीं रही है। इंजीनियर्स, अंग्रेज औपनिवेशिक शासन काल में भी बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बने, और वो इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी 200 साल से क्या कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से कार्यरत है, लेकिन आज के इंजीनियर जो है वो बनाने से ज्यादा गिराने में विश्वास रखते हैं। शिक्षित हैं लेकिन नैतिक नहीं है, मन में पाप हावी है। प्रशासन, गवर्नमेंट की नौकरी, सरकारी सेवा में भ्रष्टाचार, शिक्षित हैं, लोगों ने एग्जाम क्रैक किया, पढ़े लिखे, लेकिन नैतिक नहीं है। हर जगह नैतिकता की क्या होती है, कमी दिखाई देती है, हर जगह। कारण क्या है, शिक्षा नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ा रही है, शिक्षा यह नहीं बता रही है कि आपको शिक्षित क्यों किया जा रहा है, शिक्षा यह नहीं बता रही है कि क्या सही या क्या
क्या गलत है, न टीचर बता रहे हैं और न बच्चे इस चीज को सुनने में क्या है इंटरेस्ट है। सारी की सारी शिक्षण पद्धति जो है रोट लर्निंग पर है, इसीलिए भारत में शिक्षित लोग सबसे ज्यादा करप्ट लोग हो गए। अशिक्षित लोगों से हम क्या अपेक्षा करें? आप देखिए कि चार चक्का कोई व्यक्ति फोर व्हीलर ले लिया है और फोर व्हीलर में वो आपको ड्रिंक कर रहा है और वो बोतल को आपको शीशे से क्या करता है, बाहर फेंक देता है। रेलवे ट्रेन में आप देख लीजिएगा, अधिकांश लोग, हम लोग भी जाते हैं, कुछ खाए और खिड़की से क्या कर दिया, सामान की चीजों को बाहर फेंक दिया। हमें नहीं पता है कि हम कर क्या रहे। आपको यह पाठ नहीं बताया गया शिक्षा के द्वारा कि आप जो एक्शन कर रहे हैं उससे कितने गंभीर परिणाम होते हैं और क्या सही है क्या गलत है। और याद रखिएगा, इसी से समस्या चालू हुई कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति के जो रस हैं, जो मूल विशेषताएं हैं, वो लोगों के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाया क्योंकि हमने वो चीज बताई नहीं। और भारतीय सभ्यता और संस्कृति किसको लेकर आती है? नैतिकता, बुद्ध के सिद्धांत, गीता की बातें, उपनिषद की बातें, जैन के सिद्धांत, गुरु नानक की बातें, कबीर की बातें, मीराबाई की बातें, स्वामी विवेकानंद की बातें नहीं बताई। उन्होंने जीवन में आपने कैसे अडॉप्ट किया, अपने जीवन में क्या परिवर्तन लाया नहीं बताया गया, नहीं उतारा गया। अगर ये उतार लेते आप जिंदगी में तो भारत की ये हर्ष नहीं होगा। नेक्स्ट आइए, शिक्षा का निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन। आज शिक्षा का पूरी तरह निजीकरण किया जा रहा है। प्राइवेट शिक्षा बहुत तेजी से एक्सपांड कर रही है, गलत नहीं है। गलत यह है कि प्राइवेट शिक्षा महंगी शिक्षा है, प्राइवेट शिक्षा भी गुणवत्ता आधारित शिक्षा नहीं है और यह समाज में नवीन चुनौतियों को लेकर के आ रही है क्योंकि यह समाज में एक क्या लेकर के, डिवाइड लेकर के आ रही है क्योंकि प्राइवेट एजुकेशन से प्राप्त शिक्षा प्राप्त बच्चे कहीं ना कहीं थोड़े बहुत गवर्नमेंट वाले एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से थोड़ा वो ठीक होते हैं तो उनको क्या होता है, हर जगह अवसर ज्यादा मिलता है और अधिकांश जो बच्चे जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं, जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, उनके सामने अवसर क्या होते हैं, कम होते हैं। और भारत की अधिकांश आबादी कहां रहती है, 70-30 का रेशियो आज भी है ना, 70% लोग कहां रहते हैं, गांव में रहते हैं और 30% कहां रहते हैं, शहरों में रहते हैं। और प्राइवेट शिक्षा का संकेंद्रण कहां है, शहरों में ज्यादा है और गांव में क्या है, सरकारी स्कूल्स। अब बताइए 1 से 8 तक तो आपको गवर्नमेंट स्कूल्स ज्यादा मिल जाएंगे लेकिन माध्यमिक शिक्षा, सेकेंडरी एजुकेशन 9-10, हायर एजुकेशन 11-12, ग्रेजुएशन 3 साल का जो होता है, इसमें आपको गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस कम है। यहां पर प्राइवेट इंस्टीट्यूट क्या करती है, डोमिनेट करती है, जो महंगी भी है और जहां से अधिकार, इसलिए ड्रॉपआउट रेट भी क्या होता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। इसलिए समाज के अपर क्लास से क्या करते हैं, शिक्षा को प्राप्त करते हैं और अधिकांश जो नौकरियां होती है, चाहे वो गवर्नमेंट हो प्राइवेट सेक्टर में है, यही क्लास क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं और जो लोअर क्लास है, जिनकी संख्या ज्यादा है, उनको इनका मौका नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गए, शिक्षा से संबंधित मौलिक समस्याएं